Mamma mia, usara polis walo ke nak ke ni just berduta ke tungku ya le ke ya ya. Kai selaga. I'm a joke. Hello Chunky ji, welcome to INS. Durga ji, thank you. To begin with, you're making your debut on the OTT platform, right, with Abhay 2. So it must be like a whole new. लोग बोल रहे मैं वेब पे आ रहा हूँ. वेब का नाम सुन के मुझे स्पाइडरमैन याद आता है. नॉर्मली स्पाइडर्स नॉर्मली स्पिन अ वेब. बट आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस प्लेटफॉर्म बिकॉज मैं इस प्लेटफॉर्म का बहुत बड़ा फैन हूँ. इतना कंटेंट निकल रहा है आजकल इस प्लेटफॉर्म पर. इतने अच्छे अच्छे नए नए कलाकार आ रहे हैं सामने. पुराने कलाकार भी आ रहे हैं लाइक हिडन जेम्स. यू नो पता चल रहा है कि इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं. तो आई एम एंजॉइंग दिस प्लेटफॉर्म. और इसमें सेंसरशिप भी नहीं होता है तो क्रिएटिविटी की कोई हद ही नहीं होती है. यू कैन रियली डू एनीथिंग एंड गेट अवे विद इट. सो आई एम एक्साइटेड. और ये जो कैरेक्टर मैंने किया है बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है. इसको स्क्रीन पर अगर मैं करने जा तो शायद मुझे एक दो साल इसको प्रिपेयर करने के लिए ही चला जाता. बट केन घोष वॉज वेरी नाइस दैट ही एक्सप्लेन्ड इट टू मी वेरी इजिली और मैं एकदम घुस गया इस कैरेक्टर. So I really enjoyed doing it. So, you know, I mean, the web space is new for you, but playing a grey character isn't. You've done it in Prasthanam, Saho, Begum Jaan. How are those characters different from the one you're playing in Abhay 2? So, ye jo character hai, ye, maine Begum Jaan mein bahut hi ek grey name hai. Main keh sakta hoon ki बहुत ही नेगेटिव डिस्टर्बिंग कैरेक्टर था जो बेगम जान का था. लिखने भी डिस्टर्बिंग था और उसकी हरकतें भी बहुत ही डिस्टर्बिंग थी. साहू थोड़ा रिफाइंड था बट टोटली डार्क गया. प्रस्थानम को बोल सकते ग्रे कैरेक्टर था. लेकिन ये जो कैरेक्टर है अभय में जो हर्ष का कैरेक्टर किया है इसको मैं 3D कैरेक्टर बुला सकता हूँ. मैं बहुत ही एक नॉर्मल किस्म का इंसान जो आपके नेबर भी हो सकता है, आपके साथ काम भी कर सकता है ऑफिस में. और अगर आप इसको रोड पे देखे तो शायद ये आपको बहुत ही इडियोटिक किस्म का आदमी लगे या बहुत ही स्वीट अंकल लगे. लेकिन इसकी हरकतें बहुत 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 ज्यादा ही खराब है. और ये जो फ्लिप होता है ना वो पार्ट बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है इसके बारे में. सो ये कैरेक्टर बहुत कॉम्प्लेक्स है और मैंने बहुत इंजॉय किया. इनफैक्ट मैंने इसको बहुत आसानी से किया एंड दैट इज व्हाट इज स्केयरिंग मी. शायद ये कैरेक्टर कहीं ना कहीं मेरे अंदर छुपा हुआ है. शायद ये शो देखने के बाद मेरी बीवी डर जाए मुझसे. Sir, you've been in the industry for 33 years. Hero, villain have always been a part of the cinema, right? If there is no villain, there is no hero, technically. So, but a negative character ko, you know, bringing it to the forefront and giving so many layers to it, wo ab jaake hua hai. Itna time, according to you, kyun laga? मेरे को या फिर industry को? according to the industry, because मतलब सालों से negative and positive characters रहे हैं. It's just a layering. Yes, but yeah, I mean, in fact, इसकी शुरुआत की थी I think शाहरुख खान had started it with डर एंड बाजीगर. उन्होंने बहुत ही अच्छे ये negative characters किए थे. और मैं हमेशा fan रह चुका हूँ. I've been a great fan of अमजद खान, अमरीश पुरी जी, प्रेम चोपड़ा जी. जब हीरो विलेन की लड़ाई होती है तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि विलेन हीरो को मार दे. मैं कुछ उल्टा ही सोचता हूँ. मेरा दिमाग ही उल्टा चलता है. बट आई फील नो वन इज बॉर्न नेगेटिव. हर विलेन भी अपने आप को हीरो ही समझता है. वो सोचता है कि मैं एकदम सही चीजें कर रहा हूँ. इट्स जस्ट द पोर्ट्रेल बिकम्स नेगेटिव. तो एक अगर आपको एक अच्छा विलेन का रोल करना है तो मोर देन योर परफॉर्मेंस एंड टैलेंट डायरेक्टर को प्यार होना चाहिए उस कैरेक्टर के साथ. तो अगर डायरेक्टर को प्यार हो जाएगा आपके कैरेक्टर के साथ ना तो फिर वो उसको एनहांस करते जाएगा. और ऐसा भी वक्त आ सकता है वो आपके विलेन के कैरेक्टर को हीरो के कैरेक्टर से भी बेटर बना दे. इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन दैट. बट मैं बहुत खुश हूँ ये ओटीटी की वजह से ये सब नेगेटिव कैरेक्टर्स एकदम बाहर निकल के आ रहे हैं. आई एम एंजॉयिंग इट. Also, sir, 33 years in the industry, when you started off, you were one of those, you know, poster boys, considered to be a poster boy. And then you've done like so many genres of films, be it romance, be it action, negative characters we play kar liye hai. And then aapne last time you told me that, you know,
you've only got multi-starro films, right? So why is that? मुझे लगता है लोग मुझे अकेला 3 घंटे के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते पर्दे पे. I'm joking. नहीं, मुझे लगता है, I think मेरी शुरुआत ही हुई मल्टी स्टारर फिल्म्स में. मेरी पहली फिल्म थी धर्म जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी, मौसमी जी के साथ, नीलम के साथ. मेरी दूसरी फिल्म थी सनी देओल के साथ. मेरी तीसरी फिल्म थी संजय दत्त के साथ, धर्म जी के साथ. तो माय फोर्थ फिल्म वाज तेजाब विद अनिल कपूर एंड यू नो माधुरी दीक्षित. तो मेरी शुरुआत ही ऐसे हुई. तो आई वाज कंसिडर्ड अ बिग स्टार फॉर मल्टी स्टार कास्ट. बोलते ना, जब खाना पकता है तो आलू डालना चाहिए डिश के अंदर. yes, तो मैं एक किस्म का आलू हो गया था. लेकिन क्या हुआ, 93-94 के बाद ये मल्टी स्टार फिल्म्स निकल गए और सोलो फिल्म्स शुरू हो गए, वेयर द हीरोज वर सोलो हीरोज. तो जब वो दौर शुरू हुआ, मेरी जगह कहीं ना कहीं निकल गई. बोलते ना म्यूजिकल चेयर्स चलते हैं, और हम म्यूजिकल चेयर जब म्यूजिक बंद होता है बैठते हैं, तो मेरी कुर्सी गायब हो गई उसमें. तो तब मैं बांग्लादेश चला गया, मैंने वहां काम शुरू किया. और जब मैंने वापसी की 2000 में, तब मैंने सोच लिया अब मैं हीरो तो करूं नहीं करूं मुझे पता नहीं, ऑफर्स भी आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन मैं बहुत कैरेक्टर्स करने की कोशिश करूंगा, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स. बिकॉज जब मैं हीरो था, आई नेवर गॉट अ चांस टू डू दोस कैरेक्टर्स. बट नाउ सडनली आई कुड बी एनीथिंग. पिक्चर मेरे ऊपर डिपेंड नहीं थी कि ये पिक्चर मेरे नाम से बिकने वाली है, ऐसे कुछ. बस लोगों ने मुझे लिया बिकॉज दे लाइक्ड मी. एंड आई थॉट मैं ऑडियंस को जीत सकूं ये अच्छे अच्छे कॉमेडी रोल्स करके. तो बकायदा मैंने 15 साल के लिए सिर्फ कॉमेडी रोल्स किए, यू नो, अपना सपना, मनी मनी, क्या सुपर कूल है हम, हाउसफुल, कयामत, ऑल दीज फनी फनी फिल्म्स. और फिर जाके मुझे नेगेटिव ऑफर्स आने लगे विद बेगम जान एंड साहो एंड यू नो अदर फिल्म्स. Sir, over the years, like in these 3 decades, how has the cinema evolved, or how has the industry, Bollywood, evolved? कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं बदलता है, कुछ नहीं बदला है. वो बोलते हैं ना, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल्स. ओके, सेम है. हम फिल्में, आई मीन ऑफ कोर्स नंबर्स बहुत बड़े हो गए हैं, पर जो भी प्रॉब्लम्स है वही प्रॉब्लम्स है. फिल्में जो चलती है वही चलती है, यू नो, इट्स नाइस, इट इज नॉट चेंज. द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज अ ब्यूटीफुल इंडस्ट्री. और ऐसे कोई बड़ा बदलाव आया नहीं. हाँ, मल्टीप्लेक्सेस आ गए तो नंबर्स बहुत, फिगर्स बहुत 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 बड़े हो गए हैं. बट यू नो प्लेटफॉर्म्स लाइक टेलीविजन इतना बड़ा हो गया है, तो टेलीविजन से फिल्मों की अच्छी प्रमोशन होती है. ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इतने बड़े हो गए. सो इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड. एंड आई फील, मैं सबको बोलता हूँ, दिस इज द बेस्ट टाइम टू बी इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. बिकॉज अब तो सोशल मीडिया की वजह से भी एक आदमी को रुकना नहीं पड़ता है कि मेरी फिल्म कब रिलीज होगी. वो सोशल मीडिया की वजह से स्टार हो सकता है. और उसमें उसको किसी पर डिपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती. खुद यू नो वीडियोस बना बना कर, फोटोज डाल के लोग सुन रहे आजकल. सो दैट्स अ ग्रेट थिंग, यू नो. तो ये हमारे जमाने में नहीं था. हमारे जमाने में स्ट्रगल बहुत ज्यादा था, यू नो. हमें ऑफिसेस घूम घूम के रोल्स मांगने पड़ते थे, ऑडिशन करने पड़ते थे, पोर्टफोलियोज दिखाने पड़ते थे. तो इट वॉज डिफिकल्ट, बट इट इज द सेम, इट इज द सेम. मेहनत तो आपको सब जगह करनी पड़ती है. बट कुछ बदला नहीं, इतना ज्यादा बदला नहीं. बट व्हाट अबाउट द टॉक्सिसिटी? There's so much toxicity around, in and around Bollywood right now. Was this kind of toxicity then there? You're talking about toxicity? Yes. You mean, ये जो सब social media पे ये सब चीजें आती हैं. तब भी, I mean, filmy magazines होते थे, like you know, different filmy magazines. There was Stardust, Cineplates, there was. I think Mayapuri was also there, and there were so many in Thailand, you know, all these magazines. तो उसमें भी gossip columns होते थे और journalists लिखते थे actors के बारे में. और काफी कभी कभी actors तो journalists को पकड़ के मारते भी थे. In those days people were crazy. तो this was, वो तब भी होता था. मुझे याद है जब मुझे मेरी पहली फिल्म मिली थी, तो लोगों ने कहा था कि इसको इसलिए फिल्म मिली क्योंकि रेखा ने इसको recommend किया था इस picture. तो रेखा हमारी बहुत करीबी की फैमिली फ्रेंड थी, मेरे मम्मी डैडी की फ्रेंड. तो दैट टाइम आल्सो पीपल वुड टॉक लाइक दैट, यू नो, मीडिया में आता था. बट तब सोशल मीडिया नहीं था. एग्जैक्टली. तो अब सोशल मीडिया की वजह से सब बोलने लगे. आई मीन सब जर्नलिस्ट हो गए, सब अपना बोल देते हैं. तो अब ये दौर बदल गया, जमाना बदल गया, लेकिन टॉक्सिसिटी सेम थी. ऐसे मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ बदला नहीं है. आई मीन लोग बोलते हैं आजकल ये ब्लाइंड आइटम आते हैं. अरे तब का ब्लाइंड आइटम, वो तो नाम ही ले लेते थे सीधा. So there was no this thing. It has not changed. कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला.
But talking about social media has become like the life of everybody, right? And now years later, you have your daughter who's in the industry. And now talking to you as a father, not as an actor, with so much of toxicity around and so much of criticism, how do you protect Ananya from the darkness of social media? Well, Ananya is a very happy soul. You know, basically, अंदर से वो बच्ची है. So she is very happy. And I've told her always filter things जो आपको आए filter करो, जो आपको पसंद है वो ही रखो अपने दिमाग में, बाकी सब फेंक देना. तुम्हें कुछ filter करने की कुछ जरूरत नहीं. But coming to this, you know, today social media has become like a mobile phone. Yeah. आपको आप अगर आपके पास आज mobile phone नहीं है तो आप कहीं नहीं हो. अगर आप social media पे हो तो भी बोलते आप कहीं नहीं हो. अब आपने ये पकड़ ही लिया है. आई मीन बोलते हैं ना, मोबाइल फोन से हानिकारक किडनी निकलती है, कैंसर भी हो सकता है. तो सोशल मीडिया पर अगर आप जाने वाले हो तो ऐसे पढ़ने वाली है गालियां. यू कांट एक्सपेक्ट एवरीथिंग टू बी गुड. और यू नो अनफॉर्चुनेटली हमें न्यूज पे भी या जो भी ह्यूमन बींग्स है, सच हमें गॉसिप बहुत पसंद है. कुछ किसी और की ट्रेजिडी बहुत पसंद है, हम उसे बहुत इंजॉय करते हैं. वी गेट वेरी क्यूरियस अबाउट इट. सो दीस थिंग्स हैपन एंड आई हैव टोल्ड यू हैव टू लर्न टू लिव विद इट. यू नो आई मीन take it in a nice way, but don't take it personally, because ये आपकी ये social media आपकी personality नहीं है, ये एक object है, जैसे आपकी phone है. कल आपका phone dead हो गया तो आप रोएंगे तो नहीं ना, आप नया phone खरीद लें. तो अगर आपके social media पे दो चार गालियां पड़ी तो get it, you know, एक नया post डाल दो. So should move ahead, don't let it affect you too much. So before I wrap up, I've taken out some dialogues from the trailer, and I want Aakhi. Abhay, yes. Aakhir. Mufasa saying these dialogues. I think viewers are going to have a blast if they see this. So your first dialogue is, "Un sare police walon ne naak ke niche se main yahan tumhe utha ke le aaya." How would Aakhir? Mamma mia, un sare police walon ke naak ke niche se main utha ke tumko yahan le ke aaya. Kaise laga? I'm a joke. And the second one is, किसी का भला करके शहीद होने का मौका कितनों को मिलता है? ओ बाप रे, ये तो बहुत ही भयानक डायलॉग था. किसी का भला होके किसी शहीद होके किसी का भला करने में कितनों को मौका मिलता है? ये डायलॉग है ना? अभी मुझे आखिरी पास्ता के स्टाइल में बोलना है. Yes, sir. मेरे फादर का नाम फेटुचीनी पास्ता. किसी का भला करके क्या था उसके बाद मैं भूल गया डायलॉग. एक भला करके शहीद होने का मौका कितनों को मिलता है? मामा मिया, मेरे फादर इटालियन, उसका नाम फेटुचीनी पास्ता. किसी का भला करके शहीद होने का मौका कितने लोगों को मिलता है? आई थिंक आखिरी पास्ता शुड हैव अ स्टैंड अलोन फिल्म. डू यू अग्री? आई स्वेयर टू गॉड, पर मैंने केन घोष डायरेक्टर को बोला था, यार अब ये कोरोना का मौसम चल रहा है, इस विलेन का नाम ही आप रख लो कोविड एंड कोरोना.